फीफा विश्व कप में गुरुवार को 3 मैच खेले गए, जहां डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, तो वहीं फ्रांस ने अच्छा प्रदर्शन कर पेरू को 1-0 से मात दे दी। ये दोनों मुकाबले तो दिलचस्प रहे ही, लेकिन दर्शकों की नजरें अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच हुए मैच पर थीं, जिसमें मेसी ने अपने खराब प्रदर्शन से सबको निराश किया। मेसी एक भी गोल नहीं दाग पाए, जिसकी वजह से क्रोएशिया 3-0 से जीतकर नॉकआउट राउंड में पहुंच गया है। वहीं अर्जेंटीना के सामने विश्व कप से बाहर होने की स्थिति आ गई है। गुरुवार को सबसे पहला मैच डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें दोनों टीमें जीत की कोशिश करती दिखी, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। समारा एरिना में खेले गए ग्रुप सी के इस मुकाबले में डेनमार्क के लिए क्रिस्टियन एरिक्सन ने गोल किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिले जोडीनाक ने पेनल्टी पर गोल किया, जिसकी वजह से अंत में मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। जब पहले मुकाबले में कोई भी टीम अपना दबदबा नहीं बना पाई, तो वहीं दूसरे मैच में फ्रांस ने अच्छा प्रदर्शन कर पेरू को हरा दिया। ग्रुप सी के अपने दूसरे मुकाबले में फ्रांस ने पेरू को 1-0 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। यह फ्रांस की इस विश्व कप में लगातार दूसरी जीत है। 1998 की विश्व विजेता फ्रांस के अब 6 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में पहले स्थान पर है। जहां फ्रांस से हराकर रेस से बाहर हुई पेरू के फैंस निराश हैं, तो वहीं अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मेसी के फैंस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि क्रोएशिया के खिलाफ हुए मुकाबले में दर्शकों की नजरें मेसी पर टिकी थी, लेकिन मेसी ने एक भी गोल नहीं दागा, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को क्रोएशिया के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस दमदार जीत के लिए क्रोएशिया की टीम 1998 फीफा विश्व कप के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। वो उरुग्वे, मेजबान रूस और फ्रांस के बाद मौजूदा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है, जबकि अर्जेंटीना के लिए अगले दौर में पहुंचने की राह और मुश्किल हो गई है। अब अर्जेंटीना का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज नजरें नाइजीरिया और आइसलैंड, ब्राजील और कोस्टा रिका, सर्बिया और स्विट्जरलैंड पर टिकी होंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।